नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मोदी सरकार ने किसानों को लेकर आज बजट में बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए कहा कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर जमीन है उन्हें हर साल 6,000 रुपए दिया जाएगा। इससे देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 75,000 करोड़ का पैकेज का ऐलान भी किया गया। संसद में आज वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। बजट में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए आयकर सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। बीजेपी सरकार ने महंगाई दर को 4.6% के स्तर पर लाने का काम किया है, जिससे गरीब लोगों को बड़ी राहत मिली है। अंतरिम बजट में सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए पीएम मातृ योजना शुरू करने की बात भी की है। मजदूरों को लाभ देने के लिए श्रमिक की मौत पर दिया जाने वाला मुआवजा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर सरकार ने 20 लाख रुपए कर दिया। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ का बजट का ऐलान भी किया गया है। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में रेलवे को 1.58 लाख करोड़ का बजट का ऐलान किया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने ब्रॉड गेज पर सभी मानव रहित क्रॉसिंग खत्म किए हैं, रेलवे के घाटे को कम किया है। 2018 से 2019 में रेलवे को 1.48 लाख करोड़ रुपए भी दिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पूरी कवायद फुस पटाखे की तरह साबित हो चुकी है। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स की सीमा को बढ़ाया, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरी ओर किसानों को 500 रुपए प्रतिमा देने का ऐलान किया गया है, जो बेअसर रहेगा क्योंकि इससे वो गौरवपूर्ण जीवन तक नहीं जी सकते। अंतरिम बजट पेश होने के बाद इस पर प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ये समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला बजट है। किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग को पीएम मोदी से जो अपेक्षा थी वो इस बजट से पूरी होगी। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी ट्वीट कर बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से लड़ने वाला बजट बताया। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री समीरा रेड्डी एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। कल रात समीरा लैक्मे फैशन वीक में पहुंची। इस दौरान उनका बेबी बम्प साफ नजर आ रहा था। इस दौरान समीरा ने व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक पैंट और ग्रीन ओवरकोट पहना था। ये पहला मौका था जब समीरा को प्रेगनेंसी के बाद पब्लिकली स्पॉट किया गया हो। सिद्धार्थनगर से ब्रजेश पांडे के अनुसार कोटेदार के रवैये से गरीब लोग काफी परेशान हो रहे हैं। डुमरियागंज विकास खंड भनवापुर के जुड़वानिया गांव के कोटेदार हरिश्चंद्र ने बताया कि उन्हें 3 बार राशन कार्ड फीड कराने के लिए बुलाया गया और प्रति व्यक्ति से 20 रुपए के हिसाब से पैसे भी लिए गए। बार बार फीडिंग के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन फीडिंग नहीं होती। इस बारे में खाद्य पूर्ति अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, अगर ऐसा है तो ये सही नहीं है। भटिंडा से दीपू शर्मा के अनुसार भटिंडा के मोड़ बम ब्लास्ट के पीड़ितों की आज गुरु ग्रंथ साहिब की हाजिरी में दूसरी बरसी मनाई गई, जिसमें सभी की ओर से फूल भेंट किए गए। वहीं इस मामले में चल रही कारगुजारी पर सवालिया निशान भी लगा। पुलिस और सरकार पर वोट की राजनीति करने के आरोप भी लगाए गए। वहां पहुंचे भूपेंद्र सिंह गोरा ने आरोप लगाया इस मामले में हरमिंदर सिंह जस्सी से पूछताछ करने की बात कही है। उन्होंने कहा ये क्लियर हो चुका है कि ये ब्लास्ट कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदार को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। जेडी पुलिस की मिसल होंदी है ओदे विच दर्ज कीता जांदा भी अज किथे रेड कीती, केड़े-केड़े बंदियां दे घरे गए। वो 21 मई तो बाद 21 फरवरी तो बाद जेडी मिसल सी पुलिस की बिल्कुल डस्टबिन च सट्टी। पीलीभीत से निजामुद्दीन राजन के अनुसार पीलीभीत के सदर कोतवाल ने अधिवक्ता से अभद्र व्यवहार किया था, जिसे लेकर जिले भर के वकीलों में रोष मचा हुआ है। पूरनपुर के अधिवक्ताओं ने आरोपी कोतवाल के खिलाफ नारेबाजी कर उसके निलंबन की मांग भी की है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। इस मौके पर विश्वनाथ शुक्ला, संजय कुमार पांडे, सुनील कुमार वर्मा, रेहान प्रणय सक्सेना, अरजिंदर महल, संजय शुक्ला, रिफाकत अली खान, विकास चंद्र सक्सेना, हरिओम सक्सेना सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 28 जनवरी को सदर कोतवाल के पी सिंह ने पीलीभीत के अधिवक्ता मुस्ताक अली से अभद्रता की थी। 28 तारीख को पीलीभीत उसमें कोर्ट परिसर में कचहरी में एक मुवक्किल को जो है वहाँ पे किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया। उस पर हमारे साथी अधिवक्ता मुस्ताक हैं, उन्होंने विरोध किया तो फिर वहाँ पे सदर कोतवाल था, उसने उनके साथ भी मारपीट करी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।